जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठे। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गम्बूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना? दिल्ली जाना। हस्बैंड कहां है? जेएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में है, क्या संस्कार? नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो अपने उस बयान को लेकर घिरने लगे थे जिस बयान में उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर सवाल उठा दिए थे और फटी जींस वाली महिलाओं को एक तरीके से संस्कारहीन करार दे दिया था और संस्कारों से इस फटी जींस को जोड़ दिया था कि जो महिलाएं फटी जींस पहनती हैं वो संस्कार क्या देंगी। तो ऐसे में जब पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ, तमाम सेलिब्रिटीज ने, नेताओं ने उन पर हमला करना शुरू किया, तो मुख्यमंत्री साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं उनके बयान से तो वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं और उनका किसी भी तरीके से किसी का भी दिल दिखाने का मकसद नहीं था, किसी की भी भावनाएं आहत करने का मकसद नहीं था और अब उन्होंने वही कह दिया जिसकी जरूरत थी और जिसको सब कह रहे हैं कि हाँ यही सही है। मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि भाई महिलाओं को पूरी तरीके से अधिकार है, वो क्या पहने, किस तरीके का परिधान पहने, कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल तो वही है ना, अगर ऐसा था तो आपने वो बयान क्यों दिया? यही होता है जब आप कई बार बयान दे जाते हैं और फिर जब उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं फिर आपको समझ में आता है कि आपने गलती की है। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनेताओं को हर बात तोल मोल कर बोलनी चाहिए, 100 बार तोलो उसके बाद बोलो। लेकिन कई राजनेता इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जहां मर्जी आती है कुछ भी बोल देते हैं, बाद में फिर उस पर उनको माफी मांगनी पड़ती है, जैसे कि तीरथ सिंह रावत के साथ हुआ है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपने बयान पर उन्होंने माफी मांगी है तमाम महिलाओं से, देश की महिलाओं से जिनकी भी भावनाएं इस बयान से आहत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर को देखने के लिए। I make your speakers bang.